बहादुरगढ़ के जाखोदा गांव में यहां पर सेफ्टी वैन के यहां में उतरे चार लोगों की दम घुटने से यहां पर कहा जा रहा है कि मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सेफ्टी वैन टैंक में यहां पर पानी की निकासी की पाइप लगाते वक्त राजमिस्त्री टैंक में ही बेहोश हो गया था। राजमिस्त्री को बचाने के लिए मकान मालिक टैंक में उतरा तो मकान मालिक की भी हालत यहां पर खराब हो गई और दोनों को बचाने दो और लोग सेफ्टी टैंक में उतरे, उनकी भी हालत यहां पर खराब हो गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने यहां पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस चालक की मदद से सभी को बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने चारों लोगों को मृत घोषित कर दिया। सेफ्टी टैंक में पाइप लगाने के दौरान देखिए हादसा हुआ था, जहां पर निकासी का पाइप लगाते वक्त बेहोश हुआ था राजमिस्त्री। जाखोदा गांव में पता लगा है किसी वक्त का टैंक साफ करते हुए चार लोगों की मौत हो गई है। एक उसमें जो मुझे जानकारी है एसडीएम साहब मौके पे हैं, एक तो वो मकान का मालिक था, वो अपना घर का ही उसी वक्त सेफ्टी टैंक था उसको साफ कर रहे, एक तो मिस्त्री था और दो मजदूर थे। बड़ा अफसोस है, अभी जरा आगे देखेंगे, मैं और एसपी साहब जा रहे हैं, तो देखते हैं कारणों का पता लगाएंगे।